आज का टास्क देख लेते हैं। आज वीएस कोड ओपन किया हमने, बेसिकली हाँ एक क्लिक कर लेते सिंगल क्लिक। ठीक यहाँ सबसे पहले क्या करना है, एक रिपोजिटरी बनानी है, मतलब एक ब्रांच बनानी है रिपोजिटरी के अंदर। तो असाइनमेंट ऑब्लिक नोड मोड नोड जेएस मॉड्यूल्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करी के हमने, तो एक बार ब्रांच चेक कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हम अभी है असाइनमेंट नोड जेएस मॉड्यूल्स पे। तो अगला टास्क क्या था इसके अंदर, SRC के अंदर लॉगर फोल्डर बनाना है जिसके अंदर एक लॉगर डॉट जेएस फाइल बनानी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, SRC के अंदर हमने एक फाइल बनी है लॉगर नाम की, ठीक है, और इसके अंदर एक जेएस नाम की एक फाइल बनानी है। अब इसके अंदर वेलकम प्रिंट कराना, तो वेलकम टू माय एप्लीकेशन और हमारा नाम एंड अ पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ कोड, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने किया क्या है, ये जो टास्क था यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। इसके बाद एक नेम नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमारी वैल्यू डाल दी, उसको सीधा सा है कंसोल करवा दिया। तो कंसोल के अंदर लिख दिया है वेलकम टू माय एप्लीकेशन एंड आई एम, जिसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, बाकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल की वैल्यू को एक्सपोर्ट कराना है, क्योंकि ये अभी क्या होता है इसके अंदर, ये जो मॉड्यूल्स होते हैं पब्लिकली बनाना होता है, ये भी प्राइवेटली है जैसे, तो इनको पब्लिकली ऐसे करना होता है जैसे कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे एक वेलकम नाम का फंक्शन बनाया हमने, तो वेलकम नाम का फंक्शन अब भी क्या करेगा, अब वेलकम नाम की वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी वेलकम अंडरस्कोर मैसेज के अंदर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुटअप हो रही है, ठीक है। अब इसको क्या है, राउट के अंदर स्टोर करानी पड़ेगी, इसमें मैसेज भी दिया हुआ है कॉल वेलकम इन राउट डॉट जेएस इनसाइड टेस्ट मी हैंडलर। यहाँ से राउट डॉट जेएस ओपन कर दिया, अब इसके अंदर टेस्ट मी देख लेते हैं फाइल का है, ये रहा टेस्ट मी, ठीक है। अब टेस्ट मी के अंदर ये फाइल कॉल करानी थी, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे एक पाथ दिया है इसका, यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, एक कोई भी एक वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, जो अपन को वहां से कॉल करवाना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, बोली जैसे लॉगिंग्स कर देते हैं, लॉक्स कर देते हैं, ठीक है। अब लॉक्स क्या है, अब ये ग्रे कलर के अंदर हो गया है क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यू कहीं एक्सेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब रिक्वायर क्या वर्क करता है, रिक्वायर के अंदर अपने को इसका फाइल का पार्ट डालना होता है। तो फाइल का पार्ट डालने का मेथड ऐसा होता है, बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक डबल कोट डाल देते हैं, सिंगल कोट डालो डबल कोट डालो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अपन को बताना है कि ये वाली फाइल यहाँ पर है, जैसे अभी किस फोल्डर में है ये, राउट डॉट जी एस के अंदर। तो राउट डॉट जी एस है यहाँ पे राउट्स के अंदर। अब इससे क्या बाहर निकलना पड़ेगा फोल्डर से, तो बाहर निकलने के लिए क्या की होती है, डॉट डॉट लगाना है, ऑब्लिक लगाना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है किसके अंदर जाना है आपको, लॉगर के अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लॉगर के अंदर फाइल जानी है, तो लॉगर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ऑब्लिक लगाएंगे, अब वीएस कोड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दे देगा इसको, तो ये यहाँ पे
logo.js है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ दे दिया, ठीक है, तो ये पाथ एक्सेस कर लिया यहाँ पे। अब ये ग्रे कलर इसका इसलिए आ रहा है कि अब यहाँ पे जो हमने मैसेज प्रिंट कराना है, अब इसको भी हटा देते हैं वैल्यू को, लॉक्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, लॉक्स दे दिया है, डॉट लगाते हैं। अब उस वैल्यू का क्या नाम था जो वहां पे उस फाइल के अंदर थी ना, यहाँ ये वेलकम जो फंक्शन इसके अंदर यूज आ रहा है, अब एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो ये वैल्यू का कीवर्ड यूज किया गया है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, वेलकम डॉट अंडरस्कोर मैसेज। अब इसके अंदर वापस राउट के अंदर जाते हैं, अब वेलकम डॉट अंडरस्कोर लिखते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिकली दे दिया इसने, ठीक है, तो ये एक फंक्शन था तो फंक्शन लगा देते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर दो मेथड होती है, जैसे अगर फंक्शन कॉल कराते हैं तो फंक्शन कॉल क्या होता है कि अब ये वैल्यू एक्सेस करने के लिए अब ये वाली फाइल सेट पर हाइड कर लेते हैं बस, तो अभी कोई वर्क नहीं है, बाद में वर्क होगा इसको। अब इनको कोड को रन कराते हैं, कोड को रन के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं, नॉट के अंदर इंडेक्स डॉट फाइल को एक्सेस कराना होता है, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, ये 300 पोर्ट पे रन कर रहा है। अभी इस पे नेटवर्क पे जाते हैं, क्रोम पे आया, अब यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट 3000 टेस्ट नहीं है, ठीक है, इसको 3002 करेंगे क्योंकि अपन ने वहाँ पे फाइल में 2 डाला है, ठीक है, और टेस्ट नहीं डाला है तो टेस्ट नहीं के अंदर आएंगे। सो हमारा कोड सक्सेसफुली रन किया गया है, ये हम बाय डिफॉल्ट चेंज करा सकते हैं यहाँ पे कोई भी, ये मैंने मैनुअली चेंज किया है यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, वेलकम टू माय एप्लीकेशन प्रिंसोनिया पार्ट ऑफ प्लूटोनियम, देन ये पूरा मैसेज है प्लूटोनियम कोहोर्ट, ओके। तो अब ये बेसिकली एक वर्क हो गया, अगर इसको फंक्शन ना दे करके अगर वहां पे डायरेक्टली कॉल करा देते ना तो ये पहले प्रिंट हो जाता है। तो फंक्शन क्या वर्क करते हैं, जैसे कि फाइल का जो मतलब ये पोर्ट रन करने के बाद ये फंक्शन प्रिंट होते हैं, माई बेस नेम इज, ये ऑटोमेटिकली पहले ये मैसेज दिया गया था, तो इसको भी अगर हाइड कर लेते हैं तो देख लेते हैं आपको, यहाँ पे कंट्रोल सी दबा देते हैं पहले जैसे कि ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो लॉक्स डॉट वेलकम मैसेज ही प्रिंट कराना है तो इसको फंक्शन को भी ऐड करवा देते हैं, ये भी प्रिंट नहीं होगा। अब इसको वापस एक्सेस कराते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश करके कुछ नहीं आई, और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है माय बेस इज प्लूटोनियम, ओके, यहाँ पे भी कंसोल करवा रखा था तो इसको भी ऐड करते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं कि माय कोड है तो माय कोड की जगह हम लिख देते हैं माय प्रोग्राम, जिससे अपन को क्लियर हो जाएगा इसमें चेंजेस होते हैं या नहीं होते, ठीक है। यहाँ का एक कोड भी बदल देते हैं, कोड किसके अंदर आता है, इंडेक्स डॉट जी एस, यहाँ पे ये फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि पोर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे पोर्ट देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे पोर्ट दे देते हैं, चेंजेस करते हैं उसके अंदर 3000, ओके, अब यहाँ पे 3000 दिया है, ठीक है, अब तो यहाँ पे भी क्या है, हमको बार बार 3000 देना पड़ेगा, तो इसको क्या, ये मैसेज जो प्रिंट करता है ना, जैसे यहाँ पे अगर 302 डालते हैं बेसिकली, इसको वैल्यू एक बार ऐड कर देता हूँ मैं, ओके, तो अब इसको जैसे एक बार सेव करके रन कराते हैं, ऑटो सेव यहाँ पे ऑन रखना है बेसिक, क्योंकि अगर बार बार अगर फाइल क्रैश कर जाए तो उसके लिए,
यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3002, लेकिन हम तो पोर्ट 300 पे रन कर रहे हैं, 3000 पे। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ऐप लिसनर है यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो पोर्ट है 3000, ठीक है, इस पे आपको जाके देखना है कि ये वाला जो वर्क है ये इस पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग फिर ये बताएगा कि यहाँ पे इसके बाद इस पोर्ट पे जाने के बाद, ठीक है, इसके अंदर बता देगा कि फटाफट ये मैसेज प्रिंट करा देगा यहाँ से नीचे से। तो यहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसको हटा करके यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, हमारा वर्क हो रहा है जैसे। इस पोर्ट पर वर्क करेगा। ठीक है, अभी एक बार यहाँ पोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पोर्ट था, यहाँ 3000 था ना, 3000 चेंज किया था तो इसको 3000 बताएंगे। यहाँ पे चेंजेस हो गया, माई प्रोग्राम सक्सेसफुली रन। ठीक है, अभी पे क्या होगा, ये वैल्यू जब रन कराएंगे, जब यहाँ पे एक बार कंट्रोल सी करा देते हैं, अभी अगर इसको वापस रन कराएंगे फाइल को, ये देखो अब हमारा वर्क इस पोर्ट पर वर्क करेगा 3002 पर, ठीक है। अब 3002 इसलिए बताया है कि यहाँ पर भी जो भी पोर्ट का नाम डालेंगे वो आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके बजाय हम क्या करते हैं, अब इसका एक बार कैंसिल करा देते हैं। जहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया PRT नाम का, ठीक है, ये वापस ग्रे हो गया क्योंकि ये नीचे अगर यूज नहीं आ रहा होता तो ग्रे हो जाता है इसकी वैल्यू। ठीक है, 3002 के बजाय आप 3000 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पोर्ट का नाम के बजाय एक PRT वेरिएबल रख देते हैं, जिससे कि वैल्यू डायरेक्ट असाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में चेंजेस डायरेक्टली हो जाएंगे, तो हमको बार बार मैनुअली यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रन करा देते हैं, ये वर्क करा नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा पोर्ट इस पे रन करेगा। अब इसको वैल्यू को भी एक बार सही कर देते हैं जो हमने चेंजेस किए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे PRT कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पे भी PRT कर देते हैं। ठीक है, हो गया पहले जैसे प्रोग्राम। तो अगेन चेकिंग इट्स वर्किंग ऑन नॉट, एक्सप्रेस रनिंग ऑन पोर्ट 3002। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट 3002 है, तो एक बार वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इट्स वर्किंग ऑन नॉट। ओके, इट्स रनिंग। वेलकम टू माय एप्लीकेशन, आंसर ठीक है, आ गया मैसेज। अब सेकंड टास्क क्या था हमारा, सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम सेकंड ये है, सोर्स फाइल के अंदर यूटिल एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हेल्पर डॉट जे एस नाम की एक फाइल बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करना है, प्रिंट डेट, प्रिंट मंथ नाम के दो फंक्शन बनाना है, ये तीसरा फंक्शन ये बनाना है गेट बैच इन्फो करके, ठीक है। तो अब फर्स्ट में क्या करना है, प्रिंट
डेट के अंदर करंट डेट का आ जाना चाहिए, करंट डेट आ जानी चाहिए, ठीक है। प्रिंट करंट मंथ, अब इसके अंदर मंथ आ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है, बेच का नाम लिखना है, वीक आना चाहिए, डे आना चाहिए, और यहाँ टॉपिक आ जाना चाहिए जो जो पढ़ा है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम भी मैनुअली डलवा देंगे इसके अंदर, ठीक है। और इन फंक्शन को क्या करना है, रूट डॉट जे एस इनसाइड टेस्ट मी राउट हैंडलर के अंदर डालना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे भी किया था, टेस्ट मी के अंदर डाला था। तो यहाँ पे एक बात सही कर लेता हूँ, फाइल का नाम क्या था, यूटिल सोर्स के अंदर यूट्यूब फोल्डर देन हेल्पर डॉट जे एस। अब सोर्स है यहाँ पे, फोल्डर, इन सबको एक बार बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये सोर्स है, ठीक है। सबसे पहले ये बेसिकली यहाँ पे है, ये फोल्डर के अंदर ये बेसिकली ये फाइल्स पड़ी है। यूटिल फाइल बनानी थी तो यूटिल एक फोल्डर बना दिया हमने, और एक हेल्पर डॉट जे एस करके बनाया। तो अब इसके अंदर क्या करना था, ये जो प्रिंट करवा दिया हमने, ये शो करवा दिया था, इसको बल्कि हटा देते हैं, कोई इशू नहीं इस चीज का, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाना था प्रिंट डेट करके, तो हमने क्या किया है कि इनको एक बार हटा देते हैं, बोली जो भी फंक्शन है कैसे कैसे मैनुअली वर्क कर रहे हैं, एक बार दिखा देते हैं उनको। इनको कमेंट मार देंगे, ठीक है। फंक्शन प्रिंट डेट वर्क क्या कर रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल दिया है प्रिंट डेट के अंदर डे नाम का। अब इसके अंदर क्या है कि न्यू डेट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब डेट क्या करता है, डेट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स बता देगा कि यहाँ पे क्या डेट आ रही है, मंथ आ रहा है, टाइमिंग क्या आ रहा है, ठीक है। एक तरह के बाय डिफॉल्ट सिस्टम फंक्शन होता है ये। तो अब बिल्ट इन फंक्शन का वर्क करता है, तो फिर अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन और होता है डॉट गेट करके, ठीक है। तो यहाँ से ये डेट लेकर के यहाँ से डेट निकालेगा। डेट एक तरह का पूरा फंक्शन है, जैसे कि इसको हटा देते हैं, क्या वर्क करेगा ये भी बता देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, ध्यान इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या वर्क करेगा देखते हैं यहाँ पर। इनको भी हटा देते हैं, अब इनका भी वक्त नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे प्रिंट डेट का फंक्शन बनाया, डेट का बनाया, वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर इसको पुट अप करवा दिया, ठीक है, वैल्यू को। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या किया है, वो जो पहले की तरह किया है, इसके अंदर प्रिंट डेट नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे दे दिया, और इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे राउट के अंदर जाएंगे, राउट डॉट जे एस के अंदर जाएंगे, ठीक है। पहले तो यूटिल का पाथ देना पड़ेगा, तो यूटिल का पाथ देने के लिए अब क्या करना है कि यूटिल यहाँ कहाँ है, ये रहा यूटिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि कैलेंडर करके सी एल एक नाम का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। तो अगर इसको कैलेंडर देंगे तो भी चल जाएगा, अब यहाँ पे भी वैसा ही है कि यूटिल के अंदर हेल्पर के अंदर करके इसको पाथ दे दिया इसका। अब यहाँ पे इसको वैल्यू स्टोर करवा देते हैं पहले की तरह, यहाँ पे कैलेंडर दिया था, कैलेंडर लिख देते हैं यहाँ पे, कैलेंडर देन डॉट देन यही वेरिएबल था ना, तो कंफर्म कर लेते हैं टू डेट, ठीक है। ओके इसका फंक्शन का साइन लगा देते हैं। अब ये वर्क करा नहीं कर रहा है, इसको देख लेते हैं, कंट्रोल सी किया, दैट यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया, एक्सप्रेस रनिंग ऑन पोर्ट C002। ओके अब यहाँ पे कहाँ जाते हैं, वापस इसके अंदर जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे इट्स वर्किंग और नॉट, इट्स वर्किंग, सो वर्किंग। यहाँ पे क्या किया, आप देखो जो डेट फंक्शन डाला है, अब ये बेसिकली पूरी की पूरी डेट दे देता है, टाइमिंग वगैरह सब दे देता है इसके अंदर।
तो 2003 है, ये सब दे दिया इसके अंदर। करंट डेट जो भी आती है यहाँ पे ये बता देता है, तो इनका टाइमिंग शायद कुछ अलग ही चलता है। तो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन होता है उसकी तरह वर्क कर लेगा ये। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करते हैं कुछ हुआ तो ही नहीं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इसको चेंजेस करवा के बता देता हूँ, अगर ये फंक्शन का साइन नहीं लगाते तो क्या होता है। यहाँ पे इसको वापस रन कराते हैं, कंट्रोल सी किए, देन फाइल के बाद ओके, इसको रिफ्रेश मारते हैं, इट्स वर्किंग। ओके इट्स नॉट वर्किंग इट, यहाँ पे एक्सेस नहीं किया इसने उस वैल्यू को, यहाँ पे जो कैलेंडर की वैल्यू थी इस पे एक्सेस नहीं करी है, या तो ये एरर बता देता है या वैल्यू एक्सेस नहीं करता, दो चीज होती है। अब इसको वापस लगा देते, अब यहाँ पे क्या करेंगे उसको वापस लगा देते हैं इनके अंदर, ठीक है, इनको एक्सेस करा देते हैं इसलिए वेरिएबल को। और गेट डेट, अब गेट डेट फंक्शन क्या करते हैं, ओनली डेट प्रिंट करा देते हैं, इनको हटा देते हैं। कौन सा क्या, अब राउट के अंदर गए, यहाँ पे गेट मतलब टुडे वेरिएबल तो दिया ही है, ठीक है, अब कंसोल इसको रन कराते हैं क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे जब तक आप इसको रिक्वेस्ट इसका रिस्पॉन्स नहीं दोगे जब तक वहाँ पे वर्क नहीं करेगा वो, आगे डेट यहाँ पे ओनली ये सिंगल डेट बता रहा है भैया, ठीक है, करंट डेट इज 5। ये चीज इसलिए पॉसिबल हुई है कि यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया था और एक वेरिएबल डाल दिया था, तो डे की जगह यहाँ पे डे आ जाएगा ओनली, ठीक है। अब इसी तरह इनको भी करवाएं, प्रिंट मंथ है, प्रिंट मंथ का एक फंक्शन बनाया है इसके अंदर, मंथ बना दिया है, न्यू डेट वो का वही ले लिया है। अब इसके अंदर क्या करना है, गेट मंथ प्लस वन डालना है, अगर प्लस वन नहीं डालते हैं ये डाल दो, ठीक है। अब इस वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए ये जो पहला पुराना वाला मेथड था उसी से किया है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस राउट डॉट जीएस के अंदर जाते हैं, अब इसको वैसे ही उसी तरीके से कॉल करा देते हैं, कैलेंडर डॉट कौन सा था, टुडे मंथ डायरेक्टली ये बता देते हैं और इसको एक्सेस कराते हैं। एक्सेल रनिंग, वहां पे रेस्पॉन्स दे देते हैं तो जाके ये वर्क कर रहा, ठीक है, यहाँ प्रिंट कर दिया आपका करंट मंथ 7 है। ये पॉसिबल इसलिए होता है, अभी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंथ चल रहा है 8 मतलब अगस्त। अब ये चीज इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि ये क्या रहता है जो मंथ है, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे दो गेट मंथ है, यहाँ से 0 से इंडेक्स लेता है, मतलब गेट इंडेक्स बाय 0, ठीक है, टू 11, ये रीड करता है कि जनवरी है जो 0 पे आता है इसके अंदर, और जो दिसंबर है 11 पे आता है, तो परफेक्टली इसमें मंथ दिखाने के लिए इसके अंदर प्लस वन रीड कर लेते हैं की वैल्यू उसके अंदर आ जाती है। तो अब आ गया हमारा मंथ, अगर 0 हुआ तो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा, मतलब 1 इक्वल टू जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे वापस करते हैं, इसको वापस रन करा देते हैं, कंट्रोल सी किया, वहाँ पे एक बार आ गया रेस्पॉन्स दे देते हैं, इट्स वर्किंग, देन यहाँ प्रिंट कर दिया करंट मंथ, अब यहाँ एग्जैक्ट डेट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का भी यही प्रोसेस चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अनकमेंट मार देता हूँ, ठीक
एक्शन बनाया है गेट बैच इन्फो, ये बेसिकली ओनली प्रिंट करने का काम करेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा वर्क नहीं कराना है। यहाँ पे वैल्यूज ले लिए, बेस नेम ले लिया है, ठीक है, वीक डे ले लिया है, वीक डे कौन सा चल रहा है, वीक टू है, डे थ्री है, ठीक है, और टॉपिक हो गया है नॉट जेएस मॉड्यूल सिस्टम। अब यहाँ पे वैल्यूज को वेरिएबल को असाइन करा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कराना तो इसको डबल कोट में डाल दिया, यहाँ पे कॉमास को भी डबल कोट में डालना पड़ता है क्योंकि अगर इसको प्रिंट कराना है तो इसमें डबल कोट में डाल के कॉमा प्रिंट कराना पड़ता है। अब इनको भी ऐसे वैल्यू असाइन करवा देते हैं। ये बेसिकली क्या वर्क कर रहा है ये बता दिया था मैंने, एक्सपोर्ट करके वहां पे जाएगी वैल्यूज, वहां पे जाके वो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, एक वेरिएबल का फॉर्मेट लेगा, फिर यहाँ पे इसको पता चलेगा कि वो जो वैल्यूज है इसके अंदर फाइल में पड़ी है, तो फिर यहाँ पे कॉल करवाते टाइम इसको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से कॉल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कैलेंडर डॉट, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है जो उस फाइल में पड़ा है, वेरी डिटेल था, वेरी डिटेल आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को एक्सेस करा दे वैसे ही मैनुअली, 300 पोर्ट रन कर रहा है, यहाँ पे जाके इसका रिक्वेस्ट मार देते हैं, इसी वर्किंग ओके। यहाँ पे 3000 आ गया है, अगर यहाँ पे अगर गलत पोर्ट डाल देते तो एक्सेस नहीं करता, तो 3002 में डालना पड़ेगा, जिसके बाद प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब यहाँ पे रन करने के बाद इधर आते हैं तो ये वैल्यूज आ गए इसके अंदर, प्रोटोन एम बी एच आ गया है, वीक डे आ गया है, ये पूरा मैसेज जो प्रिंट कराया था वो आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर सक्सेसफुली सेकंड प्रोग्राम भी हो गया। अब थर्ड टास्क क्या था, थर्ड टास्क ये था कि सोर्स के अंदर वैलिडिटी नाम का एक फोल्डर बनाना है, जिसके अंदर क्या करना है, एक फॉर्मेटर नाम की जो फाइल बनानी है। यहाँ पे इनको राउट का काम खत्म हो गया, नहीं राउट का तो चल रहा है, यूटिल का खत्म हो गया। अब वैलिडिटी नाम का एक फोल्डर बनाया था और एक फॉर्मेटर नाम की एक फाइल बना दी डॉट जेएस करके, ठीक है। अब इसका वर्क क्या था, ट्रिम फंक्शन को यूज करना है, एग्जाम्पल फॉर ट्रिम ऐसा उदाहरण चाहिए। ट्रिम फंक्शन क्या वर्क करता है, इसकी जो पीछे जो स्पेसेस होती है वो हटा देता है, कितनी भी स्पेसेस डाल देते हैं वो सब हटा देगा। और ये चेंज टू लोअर केस, लोअर केस नाम से पता चल रहा है कि ये छोटे में कन्वर्ट कर देगा, छोटे अक्षर में, लोअर केस लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसके अंदर अपर केस में भी वही है, अपर केस की कंडीशन है, आप जिसको इनको राउट डॉट जी एस के अंदर जाके कॉल करवाना है, ठीक है, जो ऊपर करवाया था पहले। अब इसके अंदर इसका टेस्ट कर लेते हैं। अब सिंपली ये फंक्शन डायरेक्टली वर्क कर रहा है जो दिख रहा होगा। अब ये देखो इसके अंदर फंक्शन में जैसे क्या वर्क करता है, यहाँ पे मैंने डाला है मेरा नाम सोनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेसेस है ये वाला और ये वाला, अब इसके बाद क्या करना है, इसका मेथड ये होता है, जैसे इसमें भी कोई भी मैसेज डाला है तो अब यहाँ पे करना क्या है, ट्रिम डालना, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं तो ये डायरेक्टली रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज आती है तो ये बता, रिमूव द लीड एंड ट्रेलिंग वाइड स्पेसेस एंड लाइन टर्मिनेटर कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। लीडिंग एंड ट्रेलिंग मतलब आगे की और पीछे के, ठीक है, वाइट स्पेसेस हटा देता है, जो आगे के और पीछे के स्पेसेस दिए हुए हैं वो हटा देगा, ठीक है। लोअर केस इसके अंदर चेंज टू लोअर कर देगा, ये देखो कन्वर्ट ऑल द अल्फाबेटिक कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग टू लोअर केस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम सेम ही किया है कि चेंजेस कुछ भी करेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अपर केस। अब इनको अगर एक्सपोर्ट कराना है तो एक्सपोर्ट कराने के लिए वो का वही मेथड है, ट्रिम फंक्शन को ट्रिम वेरिएबल में स्टोर करा दिया और चेंज टू लोअर केस फंक्शन को लोअर के अंदर पुट अप करवा दिया, और चेंज टू अपर केस को अपर के अंदर पुट अप करवा दिया। अब उस फाइल में जाते हैं,
मीटर रूट जेएस हो गया, राउट डॉट जेएस के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे जो पाथ असाइन करवाना होता है, क्या नाम था उसका, वैलिडेटर। अब वैलिडेटर वो भी एक सेम वैसा का वैसे कन्वर्ट करा दिया। अब यहाँ पे इसको अगर वेरिएबल चेंज करवाना तो फॉर्मेट चेंज काम दे देता मुझे। यहाँ पे इनको बाय डिफॉल्ट वन बाय वन बाय वन एक्सेस कराते हैं, जैसे फॉर्मेट चेंज। ठीक है, अब डॉट लगाया, कौन सा फंक्शन पहले प्रिंट कराना है, हम ट्रिम प्रिंट कराएंगे पहले, तो ये ट्रिम डाल दिया। अब फॉर्मेट चेंज डॉट, अब यहाँ पे क्या लोअर केस करवाना है, तो ये लोअर केस डाल दिया। फॉर्मेट चेंज, ये वेरिएबल बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां से असाइन करवाना है तो वहां से असाइन कराने के लिए वेरिएबल को लिखना पड़ता है। डॉट, ठीक है, अब ये सारे फंक्शन वर्क कर लेंगे परफेक्टली। ठीक है, अब तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ कंट्रोल सी किया, अब यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करा देंगे। नेक्स्ट वर्किंग, यहाँ पे जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, इट्स वर्किंग, यहाँ पे बता दिया, ये वाला वाइट स्पेसेस पीछे के हटा दिए, ये वाला लोअर लेटर में, ये वाला अपर लेटर में। अब यहाँ पे भी अगर इनके वाइट स्पेस डाल देते हैं क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, ये भी डाउट रहता है तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मेटर के अंदर फॉर्मेटर फाइल में गए, इसको कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पे इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसको कंट्रोल सी करा देते हैं, इसको नॉट जेएस फाइल रन करा देते हैं, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स दे देते हैं। यहाँ पे ये रेस्पॉन्स मिल गया इसमें, यहाँ पे यहाँ देखो, अब ये वाइड स्पेसेस काउंट कर रहा है इस जगह, जबकि यहाँ पे नहीं कर रहा है। ट्रिम फंक्शन लगाने से क्या होता है, आगे और पीछे के वाइड स्पेसेस हट जाते हैं, ये क्लियरली डिफाइन दिख रहा होगा आपको। तो लोअर केस, ये लोअर केस में आ गया है, इसका काम था अपर केस में जाना, तो अपर केस में आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही वर्क करते हैं सारे फंक्शन। तो बेसिकली ये हमारा असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, कॉल भी करा दिया, पूरा करा दिया।